हाय गाइस, दिस इज़ प्रभात सॉल्यूशन। तो आपके इस न्यूज़ को लेकर के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या छत्तीसगढ़ बोर्ड पर इस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, या हमारा जो पेपर अभी ये जो अभी 1 तारीख से चालू हो रहा है, 1 से 5 तक के बीच में जो क्वेश्चन पेपर लेकर के आना है, इस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या? तो देखिए, इस पर कोई प्रभाव अभी नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट इतने लेट में यहाँ पर डिसाइड किया है, CBSE का मैटर अभी अलग चल रहा है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा, मैं आपको डेली अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर CBSE से अलग जा करके CG बोर्ड ने, CG की गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि हम पेपर आपका कॉलेज लेवल पर करेंगे, तो करेंगे। अब जितना भी विरोध हो जाए, जो भी हो जाए, गवर्नमेंट अपना डिसीजन नहीं चेंज करेगा। गवर्नमेंट तभी डिसीजन कर सकता है कि जब माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई स्टे दे दे, है ना। और अभी आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है, तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ भी, अगर अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसा कोई केस बनता है, तो मैं आपको वांट कर दूंगा, आपको बता दूंगा। बट आप बेफिक्र होकर के आप जाइए, तैयारी करें, ठीक है। 1 तारीख को जाइए, अपना पेपर वगैरह लाइए, जो भी पैकेट आपको मिलता है अच्छे से लिखिए, अच्छे से आप नंबर वगैरह स्कोर करिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ये आपका क्या है अभी तक कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2 केस में ही अफेक्ट होगा, या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाईकोर्ट अगर कुछ इस पर स्टे देता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना लेट में स्टैंड अपना क्लियर किया है, तो वो काफ़ी सोच विचार करके हर चीज़ को वो देख करके क्लियर किया है। तो अब ये फैसला फाइनल होने के बाद चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ सरकार की फिर अभी जितना वाह वाह हो रहा है, वो उल्टा उनके ऊपर रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।